आज मिल पा रही है आपको। गोरखपुर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गोरखपुर की धरती पर हो गया है। अब वो प्रदर्शनी देख रहे हैं और एक प्रदर्शनी कार्यक्रम में यहाँ पर हैं। खाद कारखाना और यहाँ पर अभी एक जो मॉडल है वो देख रहे हैं, उस खाद कारखाने में किस तरह से उसको बनाया गया है, किस नई तकनीक से बनाया गया है, इन सब चीज़ों को वो बारीकी से समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं। इस खाद कारखाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1990 में जब ये कारखाना बंद हुआ था तो एक दुर्घटना की वजह से बंद हुआ था जिसमें अमोनिया लीक हुआ था। इसको इस तरह से बनाया गया है कि भविष्य में ऐसी अगर कोई स्थिति आती है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये बंद हो जाएगा प्लांट, और इस प्लांट के बंद होने के बाद किसी भी दुर्घटना की आशंका नहीं रह जाएगी। ये खाद कारखाना बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। यहाँ पर वो 13 लाख मीट्रिक टन की है। बताया जा रहा है कि इस खाद कारखाने के शुरू होने से गोरखपुर और पूर्वांचल आसपास के लोग तकरीबन 20 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। बहुत बड़ी सौगात है गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए ये, और इसके बाद इस पूरे इलाके में युवाओं को रोज़गार मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ जो यूरिया है उस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। अभी तक भारत का जो खाद यूरिया की जो उपयोग करने की क्षमता है 350 लाख मीट्रिक टन की है, और भारत में इसका उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन होता है। और इस कारखाने के शुरू होने के बाद भारत यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगा। इस खाद कारखाने का जो इसको पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया, और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम समय में इसको शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इसकी आधारशिला रखी गई और प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया है। इसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों से जब हो रहा है तो पूरा पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, नेपाल और आसपास के जो सभी राज्य हैं वो देख रहे हैं, और ख़ासतौर से पूर्वांचल की तरक्की का ये बहुत बड़ा रास्ता बनने वाला है। ये सबसे बड़ी अहम बात है इस खाद कारखाने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तमाम राजनीतिक दलों ने 1990 के बाद वायदे किए कि वो खाद कारखाने को शुरू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ही वायदा किया था कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे। यहाँ से जो खाद तैयार होगी उसका नाम होगा अपना यूरिया, और HURL ने इसको इस कारखाने को तैयार किया है। इसके साथ ही साथ HURL जो बरौनी और सिंदरी का जो खाद कारखाना है उसको भी बनाएगा, और तकरीबन 40 लाख मीट्रिक टन का इन तीन कारखानों से उत्पादन होगा। इस लिहाज से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब प्रधानमंत्री जो एम्स का जो मॉडल है वो देखने आए हैं। रामेंद्र, ये जो एम्स का मॉडल है, हम लोगों ने देखा है कि एम्स किस तरह से तैयार हुआ है, इसके बारे में देखिए अजय, ये जो संभावनाएं थी पूर्वांचल भारत की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उनके धरातल पर उतरने का समय है। ऐसा लोगों को लगता था कि शायद चिकित्सा सेवा कभी पूर्वांचल की बेहतर नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 50 साल में 40,000 बच्चे काल कौलित हो गए, जापानी इंसेफ्लाइटिस की जांच के लिए 2-2 साल लग गए। मुख्यमंत्री जब लोकसभा के लिए चुने गए, लोकसभा सदन के लिए सांसद के रूप में, तो उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को उठाया कि इतने बच्चों की मृत्यु हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, यानी डबल इंजन की सरकार जब आई, तब जाके पूर्वांचल का जो चिकित्सा सेवा है वो बदली है। इस एम्स में 750 बेड का अस्पताल है और 125 MBBS डॉक्टरों के सीट हैं, यानी ये संभावनाओं का लंबी दूरी तक चलने वाला है। और जिस चिकित्सा के लिए लोग पुणे जाते थे, मुंबई जाते थे, लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो दूरियां कम हो गई। अब आपकी जांच भी तुरंत होगी, आपको तुरंत चिकित्सा मिलेगी, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे, अच्छी सेवाएं उपलब्ध होंगी, तो जाहिर है कि जो बच्चे, जो बूढ़े, जो जवान हैं उनको सेवाएं मिलेंगी। यही नहीं, पूर्वांचल तो, यानी बिहार और नेपाल के लोगों को भी बहुत सहूलियत और सुविधाएं इस एम्स के बनने से अजय मिलेंगी। जी बिल्कुल, और इससे भी अहम बात यह है कि इस पूरे इलाके में एम्स जैसा संस्थान चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है।
यहाँ के लोग दूर दूर तक जाते थे अपने इलाज के लिए, लखनऊ और दिल्ली जाते थे, लेकिन अब यहीं पर इसका इलाज हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जैसा कि रामेद ने कहा कि एंसेफेलाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा, उसका भी इसके अलावा और जो गंभीर बीमारियां हैं सबका यहां पर इलाज हो जाएगा। और तमाम सुविधाओं से युक्त है ये अस्पताल, सभी तरह की जांच यहां उपलब्ध है, और इसके साथ ही साथ जो दवाएं हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगी। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अजय, यही नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज है, जो बस्ती और गोरखपुर मंडल में जो मेडिकल कॉलेज है वो संचालित हो गए हैं, कई के संचालित होने की प्रक्रिया में है। तो अगर चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि विशाल मैदान और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। एक उत्सव का दिन है आज गोरखपुर के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए। लंबे इंतज़ार के बाद ये वक्त आया है। और इसके साथ ही साथ जो ICMR का जो रीजनल सेंटर खुला है उसके तकरीबन 36 करोड़ की लागत से खुला, इससे जो वायरस से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका उसकी जांच भी हो पाएगी और अनुसंधान भी होगा उसमें। तो अन्य जो भविष्य में ऐसी कोई विषाणु जनित अगर बीमारियां हैं तो उनका भी अनुसंधान हो पाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जांच के लिहाज से यहाँ की है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और अजय, जितनी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं सड़क पर भी इससे ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, लाइन में है आने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को लगता है कि ये उपलब्धियों का समय है और ऐसे नेतृत्व के सुनने के लिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित के लिए हमको जाना चाहिए। हमने एक दो लोगों से बात की तो उनसे पूछा, जैसे रैलियों में लोग आते हैं कि भाई कैसे आए हैं आप, उन्होंने कहा बस से आए, हमने कहा अपनी स्वेच्छा से आए, कहा साहब हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत किया है इन लोगों ने, हम सुनने आए हैं और इनको धन्यवाद ज्ञापित करने आए। तो ये बड़ी बात है, और बुजुर्ग व्यक्ति था जिससे हम बात कर रहे थे। तो तमाम ऐसी चीज़ें पूर्वांचल को जो नेतृत्व से जोड़ेंगी, जो डबल इंजन की सरकार है उससे जोड़ेंगी, और देखिए इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का लोग। अजय बिल्कुल, जो कुशल नेतृत्व है उससे जब जनता तभी कन्विंस होती, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। कुशल नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो जो कहता है और उसको पूरा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही पहचान बनी है कि ये जो कहते हैं वही पूरा करते हैं। और आज गोरखपुर के लोगों से इन्होंने जो वायदा किया था, इन दोनों नेताओं ने उसको पूरा किया। और मंच पर आप देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के इलाकों के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ सभी नेताओं ने अपनी अपने बातों में यही बात कही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने खाद कारखाने के लिए काम किया वो एक असंभव सा काम था। 1990 में जब ये बंद हुआ तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने वायदे किए कि वो खाद कारखाना शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाए और केवल बातें ही रह गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2014 में ही संकल्प ले लिया था कि वो यहाँ का खाद कारखाना शुरू करेंगे और 2016 में इसका उद्घाटन किया गया और आज खाद कारखाना मूर्त रूप में सबके सामने। बिल्कुल अजय, देखिए हमारा नेतृत्व तो ऐसा है कि शिलान्यास भी स्वयं करते हैं और उद्घाटन भी स्वयं करते हैं। ये बताता है कि जिनके साथ हमने वादा किया है उसको कैसे समय में पूरा किया जाए। ये केवल नरेंद्र मोदी और योगी का नेतृत्व तो ही पूरा कर रहा है तमाम संभावनाएं की पिछली। और पूर्वांचल के लिए तो आप समझिए ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स, खाद कारखाना, एयरपोर्ट, कुशीनगर का एयरपोर्ट, क्या कह रहे हैं अयोध्या का राम मंदिर और काशी, ये पूरा पूर्वांचल जब आप ढंग से देखते हो ना, लगता है कि पूर्वांचल को पर्यटन से लेकर के और रोजगार तक के इतने अवसर दिए हैं इस सरकार ने कि आने वाला जब पूर्वांचल का जो नक्शा होगा ना वो उत्तर प्रदेश में चमकता हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि अब आप पूर्वांचल आएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेसवे मिलेगा, यहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बेहतर हुई है। जो खाद कारखाना बना इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं उससे निवेश आकर्षित होगा। और एक बात रामेंद्र ये भी है कि ये जो खाद कारखाना बना है और एम्स बना है, अगर इसके इसमें इन्वेस्टमेंट को देख लिया जाए तो ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट है। और
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश भी आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये निवेश तो जो हुआ है ये सरकार की तरफ से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये एक्सप्रेसवे बना है उसके आसपास जो इंडस्ट्री के लिए ज़मीनें बनाई गई हैं उनमें अभी से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा था जहाँ कोई आना नहीं चाहता था, जहाँ मौतों के लिए जाना जाता था, जो माफियाओं के लिए जाना था, उसकी पूरी तस्वीर बदल दी है नरेंद्र मोदी की और योगी की सरकार ने। तो अब निवेश आएगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो लगता था कि अंधकार में है, ये पिछड़ा हुआ है, उधर कोई आना नहीं चाहता था, तो वो परिस्थितियां तो अजय बिल्कुल बदल गई हैं। निवेशक आना चाहता है, पर्यटक यहाँ आना चाहता है, 5-स्टार होटल कुशीनगर में बना है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। तो ये जो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि पूर्वांचल निश्चित रूप से बदल रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी तस्वीर कुछ और होगी। और इसमें चार चांद लगाता है रामेंद्र, यहाँ की कानून व्यवस्था, जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधरी है, लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव बढ़ा है और उससे निवेशक ज़्यादा आकर्षित होते हैं। निवेशक तीन ही बातों से आकर्षित होते हैं, एक या तो कानून व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और तीसरा श्रम होना चाहिए। तो इस पूर्वांचल में श्रम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोग दूर दूर बाहर जाते हैं नौकरी करने, यहाँ पलायन का मुद्दा हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है, वो भी इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के प्रोजेक्ट से वो दूर होगा, लोगों का पलायन खत्म होगा और पूर्वांचल विकास की राह पर दौड़ेगा। और प्रधानमंत्री अब मंच पर आ गए हैं और यहाँ पर बड़े खुशनुमा माहौल में लोगों से मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता अभिवादन कर रही है। हमेशा से प्रधानमंत्री ये हमेशा से कहते हैं कि वो स्वयं जनता का दर्शन करने आते हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं तो इसी तरह का लोगों का उत्साह रहता है और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं और जब सेवक जनता के। विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष। मोदी मोदी, आवाज रुकनी नहीं चाहिए, मोदी 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 मोदी। एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की इस धरती पर इस भव्य आयोजन में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को निराशा के कुहासे से निकालकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के पथ पर लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद से ही आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। हृदय से उनका स्वागत है। साथ ही हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और मंचासीन समस्त भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा गोरखपुर खाद कारखाने का लोकार्पण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का लोकार्पण और ICMR रीजनल मेडिकल सेंटर रिसर्च सेंटर का लोकार्पण, वास्तव में ये 10,000 की परियोजनाओं का लोकार्पण मात्र परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ जनता के सपनों का साकार होना है। वो सपने जिन्हें बरसों से उपेक्षा मिली, आज वास्तव में हम सब के सपनों के सम्मान का दिवस है, वो सपने साकार हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर अपार जन समूह और यहाँ का कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं उन सभी के हर्ष उल्लास
और कृतज्ञता के भाव के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब जोरदार तालियों से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। अंग वस्त्र के साथ ही गोरखपुर विख्यात है टेराकोटा के हस्तशिल्प के लिए। टेराकोटा से निर्मित मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिबद्धता, परिश्रम और लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें, साथ ही अपने हृदय के उद्गार भी व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के श्लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जय प्रकाश निषाद जी, श्री प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों,
मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था, और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भाइयों बहनों गोरखपुर में ही जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते थे तो यहां से सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ता था, जब तक ये कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहां पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहां पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चोरी चोरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये क्षेत्र वर्षों तक जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में अब इस क्षेत्र को इन बीमारियों से छुटकारा मिला है। संघर्ष से सफलता, संघर्ष से सिद्धि की इस यात्रा पर एक आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10,000 की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करके उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षा कवच भी देंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे और समृद्धि के द्वार भी खोलेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण, मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर और एक नया अध्याय जुड़ गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में। विकास का, स्वास्थ्य का और समृद्धि का अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। जैसे ही बटन दबाया, अनावरण हुआ, वैसे ही शुरू हो गया गोरखपुर का खाद कारखाना। आप देख सकते हैं उत्पादन प्रारंभ। प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया के उत्पादन की क्षमता वाला ये अद्भुत खाद कारखाना जो किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करेगा, यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को आने के द्वार खोलेगा। इस कारखाने के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए, इसकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए अभी आपने देखा कि गोरखपुर खाद कारखाना किस तरह से उपयोगी होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके खूबियों और लाभ के बारे में एक फिल्म आइए देखते हैं। आज लोकार्पित की गई तीन परियोजनाओं में से तीसरी परियोजना बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य और समृद्धि के ये उपहार देने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वास्तव में आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ उनके माध्यम से यही मंत्र फलीभूत हुआ है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभी सिंचित करें। भारत माता की।